Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. महाभारत के भीष्म पर्व के 13वें अध्याय के अनुसार महाभारत के युद्ध के 7वें दिन अर्जुन और उल्पी के पुत्र इरावन का आवंती के राजकुमार बिंद और अनुबिंद से अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। इरावन ने दोनों भाइयों से एक साथ युद्ध करते हुए अपने पराक्रम से दोनों को पराजित कर दिया और फिर कौरव सेना का संहार आरंभ कर दिया। भीष्म पर्व के 91वें अध्याय के अनुसार 8वें दिन जब सुबल पुत्र शकुनी और कृत वर्मा ने पांडव की सेना पर आक्रमण किया, तब अनेक सुंदर घोड़े और बहुत बड़ी सेना द्वारा सब ओर से घिरे हुए शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन के बलवान पुत्र इरावन ने हर्ष में भरकर रणभूमि में कौरव की सेना पर आक्रमण कर प्रत्युत्तर दिया। इरावन द्वारा किए गए इस अत्यंत भयानक युद्ध में कौरवों की घुड़सवार सेना नष्ट हो गई। जब शकुनी के 6 पुत्रों ने इरावन को चारों ओर घेर लिया, इरावन ने अकेले ही लंबे समय तक इन 6 से वीरतापूर्वक युद्ध कर उन सबका वध कर डाला। यह देख दुर्योधन भयभीत हो उठा और वह भागा हुआ राक्षस ऋष्यमृंग के पुत्र अलम बाशु के पास गया, जो पूर्व काल में किए गए बकासुर वध के कारण भीमसेन का शत्रु बन बैठा था। ऐसे में अलबाशु ने इरावश से युद्ध किया। इरावन और अलम्बुश का अनेक प्रकार से माया युद्ध हुआ। अलम्बुश राक्षस का जो जू अंग काटता व पुनः नए सिरे से उत्पन्न हो जाता। युद्ध स्थल में अपने शत्रु को प्रबल हुआ देख उस राक्षस ने अत्यंत भयंकर एवं विशाल रूप धारण करके अर्जुन के वीर एवं यशस्वी पुत्र इरावन को बंदी बनाने का प्रयत्न आरंभ किया। उस दुरात्मा राक्षस की माया देखकर क्रोध में भरे हुए इरावन ने भी माया का प्रयोग आरंभ किया। उसी समय नागकन्या पुत्र इरावन के मातृकुल के नागों का समूह उसकी सहायता के लिए वहां आ पहुंचा। रणभूमि में बहुतेरे नागों से घिरे हुए इरावन ने विशाल शरीर वाले शेष नाग की भांति बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। तब उसने बहुत से नागों द्वारा राक्षस को आच्छादित कर दिया। तब उस राक्षस राज अलम्बुश ने कुछ सोच विचार कर गरुड़ का रूप धारण कर लिया और समस्त नागों का भक्षण करना आरंभ किया। जब उस राक्षस ने इरावन की मातृकुल के सब नागों को भक्षण कर लिया, तब मोहित हुए इरावन को तलवार से मार डाला। इरावन की कमल और चंद्रमा की समान कांतिमान तथा कुंडल एवं मुकुट से मंडित मस्तक को काटकर राक्षस ने धरती पर गिरा दिया। इरावन को युद्धभूमि में मारा गया देख भीमसेन का पुत्र राक्षस घटोत्कच बड़े जोर से सिंहनाद करने लगा। उसने भीषण रूप धारण कर प्रज्वलित त्रिशूल हाथ में लेकर भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बड़े बड़े राक्षसों के साथ आकर कौरव सेना का संहार आरंभ कर दिया। उसने दुर्योधन और द्रोणाचार्य से भीषण युद्ध किए। घटोत्कच और भीमसेन ने भयानक युद्ध किया और क्रूर भीमसेन ने उसी दिन धृतराष्ट्र के 9 पुत्रों का वध कर इरावन की मृत्यु का प्रतिशोध ले लिया। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.